हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज देखिए, मैं आपको इस तरह का बोतल बैग बनाना सिखाऊंगा बहुत आसान तरीके से। दोस्तों बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें तभी समझ में आएगा। दोस्तों देखिए किस तरह से बनाऊंगा मैं इसका, मैं आपको पूरा वो दिखाऊंगा। हमारी जो पानी की बोतल होती है, फ्लास्क होता है, जो इस तरह से बना के उसमें अगर हमारे पास कोई स्टिकर हो इस तरह का, वो लगा दे तो क्या बेहतर गुड लुकिंग में ये आता है। और ये मैंने किस तरह से बनाया है तो इसका मैं आपको पूरा मेजरमेंट लेते हुए, नाप देते हुए पूरा बताऊंगा। और आप पूरा वीडियो देखेंगे, आई होप कि आप पूरा वीडियो देखोगे तभी आपको ये समझ में आएगा। तो दोस्तों देखिए, ये इस तरह से चैन खोलना है इसमें, इस तरह से ये बैग हमने बनाया, ये बोतल निकाली और ये देखिए पूरा इस तरह। फिर इसको ऐसे रख के सिंपल तरीके से चैन को इस तरह बंद कर दें, फ्लास्क की जो है सेफ्टी हो जाती है, बोतल कहीं ख़राब नहीं होता है। और इस तरह से चलिए दोस्तों, हमने ये बोतल ली, जैसे इसको हमने इस तरह से कपड़े पर रखा और इस ऐसे रखते हुए एक मार्कर की मदद लेनी है, इससे आधा इंच फालतू काटना है। मार्कर को बराबर में इसको रखोगे, इस तरह से मार्कर को पकड़ के इसके साथ में बिल्कुल सटा के रखोगे इस तरह से, तो ऑटोमेटिक आधा इंच ज़्यादा हो जाएगा। ये निशान इस तरह से लगा लेना चारों तरफ से, फिर इसको इस तरह से गोलाई से काट लेना है। ये हमने इसको से काट लिया है, ये देखिए दोस्तों ये हो गया, ये हमारा नीचे का हिस्सा हो गया। अब दो फीस हमने इस तरह से लेने हैं दोस्तों, इसकी लंबाई बताऊंगा मैं आपको, चौड़ाई बताऊंगा 14 इंची ऊंचाई और चौड़ाई 4 इंची, इस तरह से रखना है। इसके दो फीस ले लेने हमने इस तरह से, और ऊपर से ऐसे फोल्ड करके हल्का गोलाई में इसको इस तरह से काट लेना, जो कि मैंने ऑलरेडी काट रखा है, तो आप भी इस तरह से काट लेना। ये दो पीस हमारी ये हो गई। और अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें लगाएंगे तार। दोस्तों मेन चीज़ है तार, तार को इस तरह से इसमें लगाना है। ये देखिए इस तरह से गोलाई से तार को बैठाना है इसमें, ये आराम से इस तरह से हल्का आधा इंच छोड़ देना है, ये तार को नहीं लगाना है। इसी तरह दूसरे में भी लगाएंगे हम तार को, इस तरह से दूसरे में लगा के हमने, ये देखो हमारे दोनों में इस तरह से तार लग जाता है। आधा इंची फाल कम करके लगाना है दोस्तों, वो बाद में हमारा उसमें दबेगा तो उसमें। और इसी तरह से हम इसमें भी तार लगाएंगे, इतने किस तरह से लगाते हैं, इसी तरह इसी गुलाई में इसमें भी तार लगा लेंगे। ये देखिए बहुत दोस्तों, बहुत आसान तरीके से इसमें तार लगा लेंगे हम इसकी गुलाई में। तो आप भी इसी तरह से आराम आराम से लगाइए, गुलाई चूंकि छोटा आकार है, आराम से लगाइए इसमें, देखिए लग जाता है काम, ये हमारा ये तैयार हो जाएगा। अब हम इसको आपको बोतल पर नाप के दिखाएंगे, इस तरह से हमारा ये नीचे का ऐसा इसका तैयार हो गया, देखिए बोतल और ये इसका पैटर्न बन गया है दोस्तों। और हम इसको आप पूरा इस तरह से नापेंगे, ये नपाई करेंगे तो हमारा ये बैठेगा पूरा 30 इंची। तो 30 इंची के लिए हमको पट्टी चाहिए होगी, क्योंकि इसके साइड बॉर्डर होगा, इसकी चौड़ाई 2.5 इंची है और लंबाई आपको नाप के बताया हमने, तो 30 इंची लंबाई इसकी ले ली, तो उसे 30 इंची हमने ले लिया। और इस तरह से अंगुली की मदद से हमको थोड़ी हल्का फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, और अब इस पर हम चैन लगा लेंगे ऊपरी हिस्से पे, इस तरह से ऊपरी हिस्से पे चैन लगा लेंगे, ये हो गया। अब हम इस तरह से नाप लो दोस्तों, पूरा जो आधा आधा आएगा 15 इंची, उसके 10 इंची और फालतू करके चलना है। तो बैग में 44 इंची का हमने इसमें एक हैंडल निकालना है पकड़ने के लिए इस तरह से, ये टॉप सिलाई की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, उस जगहों पर हमने इसको सिलना है। उससे पहले क्या करेंगे हम, सेंटर की तरफ से 4-4 इंची का निशान लगाते हुए नीचे, इधर भी 4 इंची लगा लेंगे, इधर भी 4 इंची लगाएंगे, यहीं तक सिलाई मारेंगे हम इसको, टॉप इंच पर, टॉप सिलाई पर 4 इंच पर इसी तरह से सिलाई मारेंगे। ये टॉप सिलाई भी हो जाएगी और ये हमारा ये हैंडल भी तैयार हो जाएगा इसके ऊपर पकड़ने के लिए, हो गया। इसी तरह दूसरी तरह से भी सिलना है, वहीं 4 इंच तक सिलना है, उससे ज़्यादा नहीं सिलना है, क्रॉस मारते हुए मजबूती के साथ ही हमारा ये तैयार हो गया। अब इसमें हमने 2 रनर डाल देने हैं, 2 कुंडे जिसको बोलते हैं, इसमें कुंडा डालने नहीं आता है, मेरी वीडियो में खड़ी हुई है वीडियो चैनल पर, आप देख सकते हैं इसको, ये दूसरी तरह से हमारा तैयार हो गया। अब क्या करना है, इस पर सिल लेना है, हमने जैसे जो हमने तार लगाया था इस तरह से इसको बैठा के इसमें सिल लेना है। ये सिलाई लग रही है इस तरह से,
सिलाई मान लेनी है इस तरह से। देखिए हमारा एक पल्ला इसको बैठ गया, दूसरा पल्ला इस चैन की साइड में हम लगाएंगे। अब इस चैन के ऊपर की तरफ इस तरह से दूसरा पल्ला को इसमें ऐसे जोड़ेंगे, इसको भी हम सिलाई मारेंगे उल्टा में, बिल्कुल सिलाई के ऊपर सिलाई मारना दोस्तों, तार नहीं दबेगी आपकी, बहुत आसानी से सिलाई जाएगा इस तरह से। ये सिलाई हो गई है, देखो ये हमारे पल्ला जुड़ गया दोस्तों, दूसरा भी। ये देखिए इसकी चौड़ाई बन गई है, अब नीचे का सब खुला हुआ है, तो हम जो गोलाई बना रखी ना दोस्तों हमने, उस गोलाई को हम इस पर इस तरह से बैठाएंगे। ये बैठा लिया हमने इस पर, इस पर भी बिल्कुल हम सिलाई मारेंगे, सिलाई के ऊपर उल्टा रखते हुए, तार को दबेगी नहीं, अगर सिलाई के ऊपर सिलाई मारोगे तो आसानी से ये बैठ गया हमारा। अब देखिए दोस्तों हमारा इस तरह से ये रेडी हो चुका है, अब हम इसको सीधा करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए इस तरह चैन खोल लेना है, इस तरह से पलट के, ये देखिए दोस्तों इसका फिनिशिंग आ रही है। ये देखिए बिल्कुल हल्का सा हाथों से इसको अंदर को दबाना है, इस तरह से हमने ये पलट लेना है आसानी से। ये देखिए हमने ये पलट लिया, और इस तरह से इसमें ये बोतल रखें, दिखाओ ये बोतल रखो इसमें, देखिए बोतल रखें इसमें, और बहुत आसानी से ये चैन को हमने डबल चैन लगा रखी है, दोनों रनर को बंद करते हुए इस तरह से ये हमारा बैग रेडी हो जाता है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो बिल्कुल दोस्तों लाइक जरूर कर देना, लाइक में कमी ना करें दोस्तों। इसी तरह की नई नई वीडियो हम आपके लिए लाएंगे। देखो कोई स्टिकर वगैरह पड़ा है पुराना, तो उसके ऊपर इसको लगा दे तो देखो कितना अच्छा लुकिंग आ जा रही है इसकी। तो इस तरह से हमारा ये बनता है दोस्तों। पीछे बच्चों की आवाज़ आ रही है दोस्तों, इसको इग्नोर कर देना। तो इस तरह से दोस्तों मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगा दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। प्लीज़ ज़रूर लाइक शेयर ज़रूर करें दोस्तों। ये देखिए दोस्तों इस तरह से हमारा ये थर्मस कवर, ग्लास कवर, बोतल कवर जो भी इसको बोलते हैं, तो हमारा बोतल जो है सेफ्टी से रहता है, और पकड़ने के लिए हैंडल भी मिल जाता है इसमें। तो इस तरह से दोस्तों आप आराम से इसको बना सकते हैं। एक बार समझ आए तो वीडियो को दोबारा देखें, प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अगर ना समझ में आए तो कमेंट में कमेंट करें दोस्तों, ताकि मैं आपको समझा सकूं और आपकी कमेंट का जवाब दे सकूं। तो दोस्तों इस तरह से मिलते हैं किसी नई वीडियो को दोस्तों इसी तरह से, और आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक की वीडियो लाऊँगा दोस्तों। मैं एनी आइटम बना कर सिखाऊँगा, प्लीज़ शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें चैनल को, ताकि आपको इसी तरह की नई नई वीडियो, नए नए आइडियाज़ मिलते रहे, और ज़रूरतमंदों को इसको शेयर भी ज़रूर करें दोस्तों। ये देखिए दोस्तों फर्स्ट क्लास हमारा ये किस तरह से प्यारा सा हमारा ये तैयार हो चुका है। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। आई होप, धन्यवाद।